नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आखिरकार प्रमोटर कब बंद होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी के रिटेलर हैं, एयरटेल, जियो, वीआई या बीएसएनएल, तो हर रिटेलर के मन में ये सवाल होता है कि आखिरकार वो कौन सा दिन आएगा जब ये प्रमोटर बंद होंगे और उसके बाद हमारी कमाई स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार प्रमोटर मार्केट के अंदर से कब बंद होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है। जैसे कि आप सभी को पता है, यदि आप एक पुराने रिटेलर हो तो दोस्तों हर रिटेलर का 60-70% जो अर्निंग होती थी वो एक्टिवेशन और एमएनपी के द्वारा ही होती थी। लेकिन दोस्तों जब से मार्केट के अंदर रिटेलर प्रमोटर आए हैं तब से सभी रिटेलरों की कमाई 10-20% रह गई है। बस कुछ ही रिटेलर ऐसे हैं जो 30% तक ही कमा पा रहे हैं। तो यहाँ पर हर रिटेलर सोचता है कि मैं प्रमोटर को यहाँ से कैसे हटाऊं या प्रमोटर बंद कैसे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से मार्केट के अंदर प्रमोटर बंद हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, यदि जितनी भी कंपनियां हैं वो एक्टिवेशन और एमएनपी पर कमीशन ना के बराबर कर दें तो दोस्तों ऐसे में जो है प्रमोटर धीरे धीरे अपना आप ही ऑटोमेटिक ही मार्केट के अंदर से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एमएनपी करने पर 100 या 100 रुपया प्लस एक एमएनपी करने पर यहाँ पर रिटेलर और प्रमोटर को जो यहाँ पर कमीशन मिलता है। दोस्तों जब यही घट जाएगा तो प्रमोटर मार्केट के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है कि आने वाले 4-5 या 6 महीने के अंदर अंदर धीरे धीरे कंपनियां, जैसे कि जियो ले लीजिए, जियो हर 2-3 महीने के अंदर अंदर अपनी एमएनपी कमीशन और एफआरसी कमीशन पर यहाँ पर गिरावट यानी कि कम करती जा रही है, जिसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में प्रमोटर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये तो हो गया पहला अपडेट। अब दूसरा अपडेट दोस्तों क्या है, यदि गवर्नमेंट यानी जो भारत सरकार है यदि वो एमएनपी पर कुछ नए नियम लेके आए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा ग्राहक है जो अपनी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 3 महीने में ग्राहक दूसरी ऑपरेटर में जाकर अपनी सिम कार्ड को आसानी से पोर्ट करा लेते हैं, लेकिन दोस्तों यदि इसको 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने या 5 महीने कर दिया जाए तो ऐसे में जो है पोर्ट धीरे धीरे घट जाएगा। अब दोस्तों अब समय बताएगा कि सबसे पहला अपडेट कौन सा आता है। यदि एमएनपी पर अपडेट आता है तो ये भी रिटेलर की एक गुड न्यूज है। यदि जो है कमीशन घटता है तो दोस्तों आने वाले टाइम में इस प्रकार भी मार्केट के अंदर से प्रमोटर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लेता हूं इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।